तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है फेशियल हेयर्स पे। फेशियल हेयर से मुराद यहाँ जो हमारे चीक्स पे बाल होते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं किसी के बाल, किसी के यहाँ पे आ जाते हैं, उसमें प्लकिंग भी सब कुछ। ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, इससे हर कोई परेशान होता है। बहुत ज़्यादा लोग को बहुत थिक थिक बाल आते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं। जैसे कि मेरी शादी थी, तो अगर आप पार्लर से सर्विसेज लेते हैं तो पार्लर वाली तो ऑफकोर्स कहती हैं कि जी अपना ये जो यहाँ के बाल हैं उतरवा लें। दो किस्म के बाल होते हैं, एक होते हैं थिक बाल जो ब्लैक कलर का होता है, और एक होते हैं लाइक लाइट शेड्स होते हैं और नज़र भी नहीं आते, और वो बिल्कुल इतने पास को ही आके देखे फिर नज़र आते हैं, एक उस तरह के होते हैं। तो जो बिल्कुल पास आके देखने वाले होते हैं ना, वो बेबी हेयर्स होते हैं, उसकी कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप पार्लर जाते हैं, मैं लेकिन पार्लर वालों की बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ, वो तो सिर्फ इसलिए कहती हैं कि आपका फेस नीट हो जाए तो मेकअप नीट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो वैक्स कर देती हैं, जब वो वैक्स कर देती हैं या थ्रेडिंग कर देती हैं, धागा लगा देती हैं, कुछ भी लगा देती हैं, उसके बाद हमें वो करवाना ही पड़ता है। इवन हम कोई गलती से कोई गलत चीज़ लगा दे तो वो हमें मोटे मोटे ब्लैक कलर के यहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए फिर आप उतरवाते रहें। आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेज़र आ गए हैं, लेकिन हर कोई लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों ना हम कुछ ऐसी रेमेडी बनाएं जिसको हम एक से दो दफ़ा लगाएं और हमारे सारे बाल ही उतर। ऐसी होती हैं जिनमें मैं गारंटी देती हूँ कि जी मेरी गारंटी है। वो गारंटी मैं तब देती हूँ जब उस चीज़ को मैं खुद पे अप्लाई करती होती हूँ और कर चुकी होती हूँ, और उसके रिजल्ट मेरे सामने होते हैं। और उस चीज़ पे मैं कहती हूँ ना मेरी गारंटी है, वो चीज़ वाकई वर्थ इट होती है और वाकई वो वर्क करती है। ना मेरी शादी थी, अब दुल्हन के फेस पे बेबी हेयर्स भी हों तो वो नुमाया होते हैं, और फिर मेकअप पे सबने पास से देखना होता है, शूट होना होता है। तो मेरी मम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था, बेटा अभी आपकी एज नहीं है। लाइक जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज थी 18 की थी जब मेरा निकाह हुआ था, तो मेरी मम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं आपने अपने बालों को छेड़ना भी नहीं है। सिर्फ मैं अपर लिप्स करवाती थी और प्लगिंग करवाती थी, दैट्स इट। मतलब मेरी मामा ने मुझे सजेस्ट की, बेटा अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप ये रेमेडी लगा लो। तो उस रेमेडी में क्या है, 5 चम्मच आपने दूध लेना, लाइक टेबल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं 5 टेबल स्पून वो ले लिया, 3 पिंचेस लाइक चुटकियाँ, 3 चुटकियाँ आपने हल्दी डाल दी, 1 टेबल स्पून भर के आपने चीनी डाल दी। उसमें दूध होगा तो वो मिनटों में बॉयल हो जाए, जब वो बॉयल हो जाए उसमें आपने 1 चम्मच भर के आटे का डालना है, लाइक फुल भर के, और हाफ से भी कम कॉफ़ी डाल देनी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, वो एक क्रीम सी बन जाएगी। उस क्रीम को आप अपने मुंह पे लगा लेंगे, और उसके बाद आप उसको 10 मिनट्स लगा के रखेंगे, वो कट जाएगा। उसके बाद आपने उसको ऐसे रब कर करके उतारना है, आपके जो हेयर्स हैं ना, क्योंकि वो बेबी हेयर्स होंगे वो उतर जाएंगे, और जिनके मोटे हेयर्स हैं वो भी ये यूज करें तो उनके भी उतर जाएंगे। तो चलते हैं, पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कैसे बनानी है, उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद रिजल्ट्स के साथ बात करती हूँ। आपको पता है मैं हमेशा रिजल्ट्स के साथ बात करती हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए मैंने अपर लिप्स नहीं की, तो मैं खुद ही करती हूँ, मैं पार्लर में नहीं जाती, खुद ही मैं इसी तरह करती हूँ, रेमेडी बनाती हूँ, लगाती हूँ और मेरे बाल उतर जाते हैं। सो आज मैं आप लोगों के सामने अपनी अपर लिप्स और अपने लाइट लाइट से बेबी हेयर्स जो है ये उतारूंगी, और आपके सामने रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको। चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो जी सबसे पहले आप एक पैन ले लें, उसमें आपने 5 चम्मच दूध डाल देने है, 5 टेबल स्पून, उसके बाद 1 टेबल स्पून शुगर डाल देनी है, इतनी सी हल्दी डाल देनी है, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद एक दफ़ा इसको हिला लेना, और उसके बाद इसको चूल्हा ऑन करके बॉयल होने देना, इतना बॉयल होने देना है कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। जब बबल्स बनना शुरू हो जाए तब आपने फ्लेम को बंद कर देना, और इसको हाई फ्लेम पे आपने बॉयल करना है, और फ्लेम को बंद करने के बाद थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी डाल देनी है और 1 चम्मच भर के आटे का डाल देना, और उनको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि उसकी एक क्रीम बन जाए। उस क्रीम को ठंडा होने के लिए रख देना, ज़्यादा ठंडा नहीं, बस नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख देना। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने पकड़ के अपने फेस पे अप्लाई कर देना, गरम गरम मत लगाइएगा, नॉर्मल हो तभी लगाइएगा, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, सिर्फ नॉर्मल सा हो। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको ईजिली अपने फेस पर लगा सकते हैं। जिसने बनाया मैं वही साथ ले आई हूँ, और अब आप लोगों के सामने ही लगाती हूँ। सबसे पहले हम अपने बालों को पीछे करेंगे, हमेशा की तरह बालों को मैं इसलिए कहती हूँ पीछे करेंगे, इस पर कुछ चिपक जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा।
बाय द वे मैं आज गई थी हलाल स्टोर पे और वहाँ पे मैं वहाँ से कोकोमो लेके आई हूँ और बिल्कुल भी मज़े के नहीं है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना हलाल चीज़ें ला के और पाकिस्तानी चीज़ें ला के उसको ट्रिपल पैसों पे बेचते हैं, आप यकीन करें। इतने ऐसा लग रहा है कोई नकली है। मैंने माइलो भी लिया वहाँ से, वो भी नकली। आई हेट इट। कम से कम मुझे आधा घंटा लगा है इसको लगा के मैंने फेस पे रखा है। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब ये आपका फेस ड्राई हो जाए, अकड़ जाए थोड़ा सा मेरा फेस, मुंह खुल नहीं रहा मेरा, तब आपने इसको ऐसे, अभी मैं ना रूम में बैठी हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाऊंगी, बाकी मैं फेस वॉश करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, ऐसे आपने सर्कुलर मोशन में इसको उतारना है। लाइक बाल हमारे नीचे की तरफ होते हैं सबके, तो हमने ऊपर की तरफ उतारना है इसको। मैं अब आपको उतार के दिखाती हूँ, यहाँ पे उतार के दिखाऊंगी, बाकी मैं वॉशरूम में जाकर उतारूंगी क्योंकि हमारा कारपेट है सारा गंदा हो जाए। सो आपने इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे इस तरह उतारना, इजीली उतर जाएगा, कोई आपके जोर नहीं लगेगा, ऐसे आराम से इस तरह करके आपने सारा उतार लेना। ये बहुत इजीली उतर जाएगा, इस तरह आपने सारा उतार लेना। बाकी का मैं वॉशरूम में जाकर उतारती हूँ, बाद में मैं आके आपको मिलती हूँ। तो जी ये है फाइनल रिजल्ट। और इसको लगाने के बाद, मतलब इसको रिमूव करने के बाद, जो मेरा फेस है ना वो इतना बेबी सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ही नहीं कह रही, जब आप यूज़ करेंगी तब आपको भी ये पता चलेगा। ख़ासतौर पे ये जो वीडियो है, ये जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनके लिए, क्योंकि उनकी मम्मा उनको अलाउ नहीं करती कि जी वो अपने अपर लिप्स करवाएं और ये अपने यहाँ से बाल उतरवाएं। स्कूल गोइंग होती है उनको अलाउ नहीं होता, जो कॉलेज गोइंग होती है उनको अलाउ नहीं होता कि जी आप अपने वैक्स करवाएं। मुझे अलाउ नहीं था, इवन मेरी शादी हो रही थी, तो वो जो माएँ मना करती हैं वो अच्छे के लिए मना करती हैं, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा करवाना शुरू कर दिया ना, फिर सारी ज़िंदगी आप करवाते रहेंगे। खैर अभी मैंने पूरे मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ और आपके सामने आई हूँ। इसके बाद आपने सिर्फ सनस्क्रीन लगा लेनी है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंसान का पानी पीना ज़रूरी है ना, उसी तरह सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में सनस्क्रीन का कोई रिवाज नहीं है, कोई नहीं लगाता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपको यहाँ के हिसाब से बताऊँगी कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अपने स्किन को बहुत ख्याल रखते हैं। आप घर में, आप घर से नहीं निकलते, जो भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी, ये ओले की सनस्क्रीन है, इट इज़ सो गुड। जब आप इसको फेस पर लगाएंगे आपकी शाइन आएगी और बहुत अच्छा सा लगेगा। अभी मैं भी यही लगाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और मैं आपको एक बात ये कहूँगी कि जी आपने अपने फेस पे ये नहीं कि मोटी लेयर लगानी है, बस नॉर्मल सी लेयर लगानी है ताकि वो जल्दी से ड्राई भी हो जाए। अगर आप मोटी लेयर लगाएंगे तो उसको ड्राई होने में भी एक घंटा लग जाएगा। इसे आपने लेयर लगानी है तभी आके बाल अच्छे से उतरेंगे। और हमेशा बाल नीचे की तरफ होते हैं, कोई भी बाल ऊपर की तरफ नहीं होता फेस का। तो नीचे की तरफ बाल होंगे, आपने ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके उतार लेना। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो मैं ये अपने पूरे फेस पे कर लेती हूँ। आई नो फोरहेड पे बाल नहीं होते, यहाँ पे बाल नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको अपने पूरे फेस पे करेंगे ना तो आपकी जो डेड स्किन है ना वो भी साथ ही उतर जाएगी। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो लड़की हैं वो रेजर से ऐसे साफ़ कर रही होती हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप वो करना शुरू कर देंगे तो आपको फिर हर हफ्ते करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं कि अगर आप उनको यूज़ करें तो उसका हमें फ़ायदा ही है। तो ये नेचुरल चीज़ें आप लोग यूज़ करें जब तक आपसे हो सकती हैं। तो जब मतलब आप 30+ हो जाएं तब आप अपने फेस पे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तक आप अपने फेस को इस तरह ही प्यार करें, इसी तरह जैसे मैं करती हूँ। सो ये ज़रूर ट्राई करें।
खाली वीडियो को देखा मत करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, और उसके बाद यूज़ भी किया करें। चीज़ की मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, मुझसे प्यार हो जाएगा, आपको आपकी स्किन से प्यार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी। अगर थोड़ा सा टैन हुआ होगा, फेस थोड़ा सा डल लग रहा होगा, तो एकदम वो ग्लो करेगा। तो या ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।